भूमिहीन को जीविकोपार्जन के लिए बरसों पहले कृषि योग्य जमीन पट्टे पर मिली थी। इस जमीन पर मेहनत मजदूरी कर किसी तरह से अपने परिवार का भरण करते थे, लेकिन अब उस जमीन के पट्टे को गुपचुप तरीके से क्षेत्रीय लेखपाल ने निरस्त कर उसे दूसरे के नाम अलॉट कर दिया। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी, जबकि पट्टा निरस्त करने से पहले पट्टा धारक को नोटिस दी जाती है। पट्टे की जमीन निरस्त होने के बाद अब मेहनत कर मजदूरों के सामने खुद व परिवार का पेट पालने में मुश्किलें आन पड़ी हैं। यह मामला मिश्रिक तहसील के मछेटा ब्लॉक के राजेपारा गांव का है। यहां के रहने वाले भूमिहीन तेजी को तत्कालीन प्रधान ने कृषि योग्य जमीन दी। यह जमीन उसे पट्टे पर 50 बरस के लिए आवंटित की गई थी। यह जमीन मिलने के बाद तेजी व उनके बेटे जीतलाल, सत्रोहन, शिव कुमार आदि उसमें कड़ी मशक्कत कर फसल उगाते थे और इससे होने वाली कमाई से साल भर खुद व अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन अब उनके सामने जीवन यापन करने का संकट आन पड़ा है, क्योंकि पट्टे पर जमीन का क्षेत्रीय लेखपाल ने गुपचुप तरीके से खारिज कर दिया। यही नहीं, उस जमीन को दूसरे के नाम आवंटित भी कर दिया। शनिवार को जब इसकी भनक पट्टा धारक परिवार को लगी तो उनके होश उड़ गए। अब वो जमीन को पाने के लिए उच्चाधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आई इंडिया ने पीड़ित परिवार से बातचीत की तो उनका दर्द सामने आ गया। आप भी सुनिए पीड़ितों ने क्या कहा। ये बताइए, क्या है मामला आपका, क्या समस्या? लेखपाल ने हमारा खेत दूसरे के नाम पट्टा कर दिया और हम 50 सेल से जोत बह रहे थे। हम अब क्या करें, हमारे पास जमीन नहीं, चार भाई हैं और कुछ हमारे पास है नहीं। साहब, हमारे पुरखों से जमीन थी, प्रधान ने दिया था, पुरखों ने जोत रहे थे, तब से पुरखे लोग गुजर गए हैं, हम जोत रहे हैं और चार भाई हैं। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है, हम क्या करें। और हमारी ज़मीन किसी दूसरे के नाम कर दी गई, भूमिहीनी में ज़मीन वो मिली थी, उसका पट्टा कैंसिल होके और लेखपाल ने दूसरों को नाम कर दिया और हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम क्या करें। और कब्जा हमारा था, वो कल आई और लेखपाल ने कहा अब इसका कब्जा छाड़ो, अब ये दूसरों के नाम हो गई, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। आप क्या बताओगे, क्या जवाब हमको दोगे, क्या हम करें आगे। हम गरीब आदमी, हम कुछ कर नहीं सकते। हम अनुसूचित जात से हैं, हमारे चार भाई हैं, चार 5 बीघा खेत था, बहुत दिन से कब्जा था, लेकिन वो ब्राह्मण लोग जो थे वो चुपते चुपते जोन है अपना जो है करा लिया पट्टा उसका। अब कल सूचना मालूम हुई तब हम लोग जान पाए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। अब इसके आगे देखो क्या होता है। ये जमीने मतलब साहब नसबंदी चली थी, उसमें मतलब जो है SDM साहब ने आदेश कर दिया था, जिन लोगों ने आदेश कराई नसबंदी कराई है उनको कहीं न कहीं जमीन दीजिए, तो उसमें हमने इनको जमीन मतलब भर का जो है उन्होंने कराई थी लोगों ने, मतलब के पिता लोगों ने, तो साहब उसको दे दिया था मैंने जो लेखपाल ने अभी इस वक्त दूसरे का नाम पता कर दिया। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।